बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में है, तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम चंद मुस्लिम साइंटिस्ट जो बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनमें सबसे पहले है इब्न अल हिशम। तो इब्न अल हिशम जो है वो 965 में बसरा इराक में पैदा हुए, और ये एक अरब मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट ये थे। और ये जिस दौर में पैदा हुए थे वो गोल्डन पीरियड था, खुसूसन इस्लामिक एज का, क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट का एक दौर था, करीबन ये 1000 साल का दौर है जो 600 से 1600 तक का रहा। तो इब्न अल हिशम को जो है वो फादर कहा जाता है मॉडर्न ऑप्टिक्स का, और इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा नई खिदमत दी, खुसूसन फिजिक्स की जो है वो यानी फील्ड में। और इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है किताब अल मनाजर, यानी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जो इन्होंने लिखी थी। और इस किताब को लातिनी ज़ुबान में जो है वो ट्रांसलेट किया गया था, और इसकी वो लातिनी ज़ुबान में ही कापी जो है वो अवेलेबल है। तो इसके अलावा ये एक पॉलीमिथ थे। पॉलीमिथ उस साइंटिस्ट को कहा जाता है जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे जो है वो ग्रिप रखता हो। तो तकरीबन जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं वो तकरीबन एक किस्म के ऑलराउंडर साइंटिस्ट थे, जिनको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे जो है वो ग्रिप थी या अबूर हासिल था। तो इब्न अल हिशम वो यानी पहले इंसान थे कि जिन्होंने यानी नज़र के बारे में बताया, यानी मंजर के बारे में बताया। और उन्होंने कहा था कि हमें नज़र तब आता है कि जब ऑब्जेक्ट की जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी आँख में। और इसी तरह से इन्होंने जो है वो बताया था कि बेसिकली जो मंजर कुशी होती है वो इंसानी आँख में नहीं होती, लेकिन वो ब्रेन में होती है। और इब्न अल हिशम जो है वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे, या यूँ कह लें कि वो पहले साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने कोई कैमरा जो है वो इन्वेंट की थी। तो पिन होल कैमरा जो है उसके इन्वेंटर जो है वो इब्न अल हिशम है। तो इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया। लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी इन्होंने डेवलप किए। तो बहरहाल जो ऑप्टिक्स है, जो एक एक ब्रांच है फिज़िक्स की, वो डेवलप की थी इब्न अल हिशम ने। इसके बाद फिर इब्न सीना है। तो ये बुखारा में पैदा हुए थे 980 में। तो इनको आम तौर पे जो है वो इब्न सीना कहा जाता है, और इसको मगरब में यानी वेस्ट में इसको अवी सीना जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक पॉलीमिथ थे, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इनको ग्रिप थी। और इसको जो है वो यानी समझा जाता है कि बड़े ही एक जो है वो अहम तरीन फिजिशन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, थिंकर थे एंड राइटर थे इस्लामिक गोल्डन एज के। और इसे जो है वो फादर भी कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन का, यानी अर्ली मॉडर्न मेडिसिन का। और अवीसीना जो है इसको जो है वो बेसिकली ये कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो असर रसूख वाले फिलासफर थे, खुसूसन जो प्री मॉडर्न इरा है उसमें। और अवीसीना ने करीबन 450 बुक्स जो हैं वो लिखी डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, और उनमें से जो है वो 240 अभी तक जो है वो बच गई हैं, बाकी तो नहीं मिल रही। तो ये जो 240 बुक्स हैं इनमें 150 के करीब बुक्स हैं जो इन्होंने फिलोसफी के ऊपर लिखी, यानी फ़लसफे के ऊपर, और 40 किताबें हैं जिसमें इन्होंने मेडिसिन के ऊपर लिखा। और इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ हीलिंग। इनमें अवीसीना ने जो है वो फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया इस बुक को कहा जाता है, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरीके बताए मेडिसिन के। और इन्होंने इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़लसफे के ऊपर भी इस किताब में लिखा है। तो इसी तरह से द कैनन का मतलब यहाँ पे कलेक्शन होगी, जो उनके वर्क्स की कलेक्शन है, यानी जो उन्होंने किताबें लिखी उन्हें एक तरतीब में जो है वो कलेक्शन में बनाया गया है। सो द कैनन ऑफ मेडिसिन अ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, एक और इनकी किताब है, विच बिकेम ए स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट एट मेनी मेडिवल यूनिवर्सिटीज़।
और इनको तकरीबन 1650 तक जो है दुनिया के मुख्तलिफ जो हैं वो जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें ये पढ़ाया गया। जो इनका कैनन ऑफ मेडिसिन था यानी जो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया थी, तो फलसफे और मेडिसिन के अलावा जो अवीसीना हैं उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी लिखा, उन्होंने अल्केमी के ऊपर भी लिखा, जियोग्राफी के बारे में भी लिखा, और इसी तरह से जियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और इन्होंने पोइट्री के ऊपर भी जो है लिखा। कहा जाता है कि इननेट क्वालिटीज थी अवीसीना को, और 9 साल की उम्र में ही जो है वो अवीसीना ने कुरान का हिफ्ज कर लिया था, और बिल्कुल ही जवानी की उम्र में, कोई कोई यानी 20-22 सालों की उम्र में ये एक मंझे हुए फिजिशियन थे अपने दौर के। इसके बाद है फिर जाबिर इब्ने हयान, यानी इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। सो इब्ने हयान जो हैं बेसिकली ये भी यानी एक किस्म के वर्सटाइल साइंटिस्ट थे। काफ़ी ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स थे इनके ऊपर इनका जो है वो गुबूर था, खसूसन अल्केमी और कॉस्मोलॉजी, फिर नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिर मेडिसिन, और इसी तरह से मैजिक, मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी। सो इसको आमतौर पे जाना जाता है कि जाबिर इब्न हयान को कि ये जो है वो फादर हैं केमिस्ट्री के, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया केमिस्ट्री के ऊपर। खसूसन जो है इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो यानी एसिड्स जो हैं उनके बारे में जानकारी दी, डेवलप किए, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड जो है उसका इन्होंने एक जो है वो तरीका बताया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्सट्रैक्शन की यानी कीमियाई तरीकों से, और ये एक्सट्रैक्शन करते थे प्लांट से, ब्लड से और हेयर से। और इसी तरह से इनकी एक किताब है जो जिसे बुक ऑफ मर्सी कहा जाता है, एंड द बुक ऑफ 70, जिनको काफ़ी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया, खसूसन लातिनी ज़ुबान में, और लातिनी ज़ुबान में जाबिर इब्न हयान को जिबर कहा जाता है। तो ये केमिस्ट्री के बड़े ही रेनाउंड साइंटिस्ट हैं जाबिर इब्न हयान। तो इन्होंने बेसिकली केमिस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एक्सट्रैक्शन के तरीके बताए, खसूसन एसिड्स के। इसके बाद है फिर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वाज़मी, जिसे आमतौर पे मूसा अल ख्वाज़मी कहा जाता है। ये ख्वाज़म में पैदा हुए और इन्हें फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजबरा। सो ये भी एक जो है वो वर्सटाइल साइंटिस्ट थे, और ये बड़े ही मशहूर थे, और इनको जो है वो 820 में यानी अपॉइंट किया गया था एस्ट्रोनॉमर एंड हेड ऑफ लाइब्रेरी ऑफ द हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद। तो अलख्वाज़मी जो है उन्होंने बुनियादी तौर पे जो किताब है उनकी, सो अलजबर वल मुकाबिल, ये उनकी बड़ी मशहूर किताब है अलजबरा के ऊपर। इसके अलावा ट्रीटाइज ऑन अलजबरा, दी कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, प्रेजेंटेड दी फर्स्ट सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशंस। तो इन्होंने यानी सबसे पहले लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशंस के ऊपर काम किया, और इसी तरह से जो इनकी जो बेसिकली जो बड़ी अहम जो इनकी जो जो इनकी कामयाबी थी अलजबरा में वो ये थी कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि जो क्वाड्रिक इक्वेशंस हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर व्हिच ही प्रोवाइडेड ज्योमेट्रिक जस्टिफिकेशंस। यानी ज्योमेट्री से उन्होंने फिर उसको जो है वो प्रूव किया। सो इसके अलावा बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रीट अलजबरा एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, यानी इसने अलजबरा को कहा था कि ये मैथमेटिक्स ही अलग से एक शाख है या ब्रांच है, जिस तरह से अर्थमेटिक्स को कहा जाता है या ज्योमेट्री को कहा जाता है या ट्रिग्नोमेट्री को। तो उन्होंने अलजबरा को इसी तरह से कहा कि एक अलग जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की। सो इसके अलावा फिर इन्होंने जो है ही इंट्रोड्यूस्ड दी मेथड्स ऑफ रिडक्शन एंड बैलेंसिंग एंड दी ट्रांसपोजिशन ऑफ सबस्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करने के तरीके उन्होंने बताए थे कि जो लाइक टर्म्स होते हैं अपोजिट साइड्स में उन्हें क्रॉस कट करके दोनों साइड्स में जो है वो इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और
इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अल ख्वाज़मी जो है इन्हें फादर कहा जाता है अल जबरा का। तो ये 780 ख्वाज़म में पैदा हुए थे और ये 850 में जो है इनकी वफात हुई। इसके बाद फिर अल बेरूनी, तो ये भी एक बड़े ही वर्सटाइल साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी काफ़ी मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। इससे जो है वो फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, इंडोलॉजी से मुराद के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसी तरह से इसे जो है वो फादर ऑफ कंपेरेटिव रिलीजन कहा जाता है, यानी इन्होंने मुख्तलिफ मजाहब को साथ में जोड़ के लिखा और उन्हें कंपेयर किया, और इसी तरह से इसे फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी कहा जाता है। सो जियो तो अर्थ है और डेसी जो है उसकी यानी फंक्शनिंग है अर्थ के ऊपर। और कहा जाता है कि जब अल बेरूनी ने जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो मेजर किया था पिंड दादन जो मॉडर्न डे पंजाब में है वहाँ पे, और इसी तरह से इसको जो है वो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने ये सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है और ये होता है स्टडी रिलेटेड विथ साइंस आर ह्यूमंस, उनके कल्चर्स, उनके कस्टम्स, उनके यानी जो इथोस हैं वो, तो उनको जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसके अलावा अल बेरूनी ने फिजिक्स के ऊपर जो है वो लिखा, इनको हबूब था फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर और नेचुरल साइंसेस जिस तरह यानी बायोलॉजी है, जूलॉजी एंड बॉटनी। और ये बेसिकली एक बड़े ही मजे एक यानी लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, लिंग्विस्ट थे और तारीख दान थे। इसके अलावा ही वॉज एन इम्पार्शियल राइटर ऑन कस्टम्स एंड क्रीड्स ऑफ वेरियस नेशंस, मुख्तलिफ जो कौमें थी उनके जो रीत रीत और रस्मात थे उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन्होंने बिल्कुल यानी न्यूट्रल होकर लिखा, कोई उनके साथ मुतसबाना रवैया नहीं था, जो था जैसा था वो वैसा ही लिखा। इसीलिए इसको उस्ताद का लकब दिया गया या इसे मास्टर कहा गया, या इसको जो है वो हिंदी में जो है विद्या सागर का लकब दिया गया, यानी इसको यानी कहा जाता है कि यानी सी ऑफ नॉलेज यानी इल्म का समंदर, ये लकब मिला था अल बेरूनी को। इसके अलावा अल खिंदी, ये भी एक बड़े मशहूर जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और इसे खसूसन जो है वो कहा जाता है कि फादर ऑफ अरब फिलोसफी, यानी जो अरबी फलसफा है उसकी बुनियाद कहा जाता है कि अल खिंदी ने रखी। इसके अलावा ये बड़े एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और ये म्यूज़िक में, जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो कहा जाता है कि अल खिंदी ने डेवलप किए थे। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, ही सब्सिक्वेंटली रोट हंड्रेड्स ऑफ ओरिजिनल ट्रीटाइज ऑफ हिज ओन ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी सौ की तादाद में उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो किताबें लिखी, रेंजिंग फ्राम मेटाफिजिक्स, एथिक्स, लॉजिक एंड साइकोलॉजी टू मेडिसन, उसके अलावा फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑप्टिक्स, इनके ऊपर जो है उन्होंने काम किया। और इसके अलावा ही फर्दर अ फील्ड टू मोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाइक परफ्यूम्स, सिगार्स, ज्यूल्स, ग्लास, डाइज, एजोलॉजी, टाइड्स, मिरर्स, उसके अलावा मेट्रोलॉजी एंड अर्थक्वेक्स, इनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। मैथमेटिक्स में इन्होंने काफ़ी अहम काम किया, और ये अल खिंदी थे जो इंडियन नंबर्स थे उन्होंने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किए मैथमेटिक्स में, और इसके अलावा इन्होंने अरबी जो नंबर हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए, खुसूसन जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी या जिसे हम वेस्ट कहते हैं अल ख्वाज़मी के साथ मिलके। तो इसके बाद फिर अल ज़हरवी हैं, ये भी एक बड़े ही वर्सटाइल मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। सो अल ज़हरवी जो आज के स्पेन जो है वहाँ पे ये पैदा हुए, जिसको तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था स्पेन को 711 में, तो स्पेन पे काफ़ी अर्सा जो है मुसलमानों का एक असर रसूख रहा, तो ये पैदा हुए थे स्पेन में। ये एक अरब फिजिशियन, सर्जन और केमिस्ट हैं, और इसे जो ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द मिडिल एजेस कहा जाता है, और इसके अलावा इसे जो है वो फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सो अल ज़हरवी जो है इसका जो सबसे अहम वर्क है वो किताबुल तशरीफ़ है, यानी इसके 30 वॉल्यूम की एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसके
यानी इसमें जो है वो मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें जो जो सर्जरी चैप्टर है उसको फिर बाद में ट्रांसलेट भी किया गया लातिनी ज़ुबान में, और उसने बड़ी जो है वो उस ज़माने में एक शोहरत हासिल की इसकी, उस जो ये जो चैप्टर है इसका सर्जरी के ऊपर, और इसे फिर यूरोप में जो है वो तकरीबन 500 साल तक जो है वो पढ़ाया भी गया। तो इसके अलावा ये जो अपने अलज़हरवी हैं उनकी काफ़ी और भी ज़्यादा डिस्कवरीज हैं खुसूसन अप्लाइड और मेडिसिन में। तो इसके अलावा ही वाज़ दी फर्स्ट फिजिशियन टू आइडेंटिफाई दी हेरिडिटरी नेचर ऑफ हेमोफिलिया। ये जो हेमोफिलिया है ये बेसिकली ब्लड से यानी खून की बीमारी है, इसमें खून जिसे जरियान कहा जाता है एक किस्म का, तो यानी ये खून से रिलेटेड बीमारी है, उसकी जो हेरिडिटरी है उसके बारे में इन्होंने बताया और उसको उन्होंने पहचाना। और उसके अलावा इन्होंने डिस्क्राइब किया एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, सब टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होती है कि जो यानी बच्चा होता है वो बेसिकली यूट्रस से बाहर डेवलप होता है, और ये उस ज़माने में बड़ी एक जानलेवा बीमारी थी जो औरतों में होती थी। तो ये भी इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और उसको डिफाइन किया। इसके बाद फिर इब्ने अल नफीस हैं, इन्हें जो है वो आमतौर पे फादर ऑफ सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी कहा जाता है इब्ने नफीस को, और ये भी एक अरब सीरियन जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और इनको भी दूसरे मुसलमानों की तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे उबूर था जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसी तरह से बायोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस एंड फिलोसफी, इन सब पे जो है उनको उबूर था। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको विलियम हार्वी ने डिफाइन किया था, ये हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि बेसिकली तो हम कहते हैं कि इन्वेंटर उसके जो है वो विलियम हार्वे हैं, लेकिन विलियम हार्वे तो काफ़ी बाद में हैं, इसको जो है वो इब्ने अल नफीस ने तो विलियम हार्वी से काफ़ी पहले जो है इसको डिस्कवर कर लिया था। और इसके अलावा एक जो है वो रोमन फिजिशियन थे गेलन, उसने एक थ्योरी डेवलप की थी सेकेंड सेंचुरी में, तो उसको तो किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था और ये बिल्कुल अनचैलेंज ही रही, लेकिन फिर जो है वो इब्ने नफीस ने डिस्क्राइब किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो थी, तो उसके बाद फिर जो उसकी वो थ्योरी थी उसको फिर इन्होंने जो है वो गलत साबित किया। और इसी तरह से ये एक जो है एज एन अर्ली एनाटॉमिस्ट इब्ने नफीस आल्सो परफॉर्म्ड सेवरल ह्यूमन डाइसेक्शंस, यानी जिस तरह इंसान की जो है वो यानी चीर फाड़ की जाती है, डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग आपने सुना होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क मेकिंग सेवरल इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने वहाँ पे डिस्कवरीज की एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में। तो बहरहाल इब्ने नफीस को जो है वो आम तौर पे फादर ऑफ सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी कहा जाता है। सो विलियम हार्वी ने और उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड है उसको जो है वो डिफाइन किया था प्री डेट्स में। तो इन्होंने जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको डिफाइन किया था इब्ने नफीस को, और ये इसकी बुनियादी शोहरत की वजह है आज तक। तो ये थे मुस्लिम साइंटिस्ट जिनको हमने तफसील से जाना इस सेशन में। सो आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी। तो जाते जाते आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और जानने वालों को भी शेयर करें, ताकि ये जो हमारा चैनल है आपकी तवस्सुत से या आपकी थोड़ी सी हेल्प से ये और लोगों तक पहुँचे और उन सबको फ़ायदा मिले। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो नेक्स्ट सेशन के लिए आपसे इजाज़त। सो हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।